तो फाइनली आंगनवाड़ी केंद्र पर पढ़ने वाले आने वाले बच्चों को मिलने वाले पोषाहार के संबंध में फिर से एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है। इसके लिए ICDS की ओर से सभी जिलों को पत्र भी भेजा जा चुका है और इसके लिए बजट में जो खर्चे के लिए स्वीकृति है उसको दी जा चुकी है। इसका जो भी अलॉटमेंट है वो पास किया जा चुका है। चलिए हम आपको दिखाएंगे कि जो भी बच्चे जो अंडा नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। 7 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से खर्चा दिया जाएगा और उसके लिए करोड़ों रुपए जो है पास कर दिए गए हैं। चलिए पूरी खबर को दिखाते हैं कि किस प्रकार का जो है आने वाले दिनों में आपको जो है पोषाहार के संबंध में बड़ा बदलाव देखने को फिर से मिलेगा। वीडियो में दी गई अगर आपको पसंद आएगी हम उम्मीद यही करेंगे कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए इस पूरी खबर को आप सभी सेविका सहायिका ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके लिए ICDS की ओर से पत्र जारी हो चुका है और इसमें जो खर्चा होने वाला है आने वाले दिनों में उसके लिए सरकार ने पैसा भी पास कर दिया है। तो ये नियम ये बदलाव आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। लिखा गया शीर्षक कि आंगनवाड़ी अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को मिलेगी भुनी हुई मूंगफली, यानी जो बच्चे अंडा नहीं खाएंगे उनको मूंगफली जो है भून करके दिया जाएगा। अब देखिए पटना से खबर, यानी पूरे बिहार के जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र सभी के लिए नियम लागू होगा। पूरी खबर हम आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में कब से बदलाव होगा, क्या करना होगा। वीडियो में दी गई अगर आपको पसंद आए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लिखा गया राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले उन सभी बच्चों को जो नाश्ते के अतिरिक्त मिलने वाले अंडा नहीं खा पाते हैं उन्हें बुधवार और शुक्रवार को भुनी हुई मूंगफली दी जाएगी। देखिए नियम बन चुका है। समाज कल्याण विभाग की ओर से इसके लिए 7 रुपये प्रतिदिन की दर से राज्य योजना मद से 324,54,67,680 रुपये की स्वीकृति दे दी गई है। यानी इसमें जो खर्चा होने वाला है कि अगर बच्चे अंडा नहीं खाएंगे तो उनको भुनी हुई मूंगफली दी जाएगी और एक दिन में 7 रुपये खर्च होगा, इसके लिए पैसा पास हो चुका है। अब उन सभी बच्चों को परेशानी नहीं होगी जो अंडा नहीं खाते हैं। विभाग के मुताबिक हाल के दिनों में देखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष तक के स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए आने वाले बच्चे अंडा खाने में कतराते हैं। अब अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को परेशानी नहीं होगी। लिखा गया है कि समाज कल्याण विभाग ने जिलों को भेजा निर्देश, अन्य पोषाहार में बदलाव की तैयारी हो रही है और इसको निर्देश भी आ चुका है, ICDS का पत्र भी आ चुका है। लिखा गया है राज्य योजना मद से इसके लिए 324.54 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या नियम लिखा गया है, क्लियरली लिखा गया कि पोषाहार में होगा बदलाव, बच्चों के स्वाद का रखा जाएगा ख्याल भी। आने वाले दिनों में आंगनवाड़ी केंद्र पोषाहार का सेवन में बदलाव जरूरी है, नहीं है इसके लिए पौष्टिक आहार देने में बच्चों क्या मजे से खा सके इसके लिए समीक्षा की अगर जरूरत हो तो होगी और उसमें बदलाव हो तो उसकी भी किया जाएगा। लिखा गया है यहाँ पर कि गर्मी की छुट्टी के बाद इसके बदलाव किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र से क्या लाभ होता है यहाँ पर बताया गया है, किस प्रकार के पोषाहार की योजना चलती है, बच्चों गर्भवती धात्री को क्या खिलाया जाता है और कौन कौन सी योजना का लाभ का पैसा जो है लाभार्थियों को मिलता है। तो देखिए इसके लिए पैसा पास हो चुका है और जहाँ पर अंडा नहीं खाएंगे वहाँ पर बुधवार और गुरुवार को जो है मूंगफली देना है और 7 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर 324 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। तो फाइनली उम्मीद है आपको कि इस वीडियो से आपको जानकारी मिल गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।